हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे हम थ्री एग्जाम्पल तक हमने कर लिए थे फोर्थ एग्जाम्पल इज अ पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ए एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्स डिस्टेंस बी इन द सेम डायरेक्शन प्रूव दैट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज़ टू ए स्क्वायर ओवर थ्री ए माइनस पी हमें ये गीवन है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट से रेस्ट से स्टार्ट किया और फर्स्ट सेकेंड में उसने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया नेक्स्ट सेकेंड में उसने बी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी डायरेक्शन में हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है अब यहाँ पर इस तरह का अगर हम देखें मोशन होगा दिस इज़ आवर मेन पोजिशन ये हमारी रेस्ट की पोजिशन है पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया अब यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड में उसने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमने ले लिया जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया फ़र्स्ट सेकेंड में सपोज़ कर ली हमने बी हमारी जो पोजीशन है वो रेस्ट की है फर्स्ट सेकेंड में उसने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया और उससे नेक्स्ट सेकेंड में ये बी डिस्टेंस ट्रेवल किया एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल एज्यूम कर लिया है स्मॉल हम जनरली यूज़ करते हैं बट स्मॉल या स्टेटमेंट में गिवन है तो हमने एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट कर लिया दिस लेंथ इज़ ए ये एम्पलीट्यूड हो गया ये मेन पोजीशन है ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है यहाँ से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया फर्स्ट सेकंड में उसने ए डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट सेकंड में उसने बी डिस्टेंस कवर किया ये हमें गिवन है अब अगर हमें डिस्टेंस लिखना हो और टाइम हम मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से रेस्ट की पोजीशन से तो हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल होता है ए कोस रूट म्यूटी ए इज़ एम्पलीट्यूड जब टाइम हम मेज़र करते हैं फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट तो हमारा एक्स की वैल्यू ए कोस रूट म्यूटी होती है ये हमने जो सेकंड केस हमने जो आर्टिकल किया था उसके सेकंड केस से लिखा क्योंकि हमें जो टाइम गिवन है वो यहाँ से गिवन है फ्रॉम रेस्ट से गिवन है नाउ जब टाइम वन सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन ए जब टाइम हमारा वन सेकेंड है टी इज़ वन तो यहाँ से ये यह ए है हम यहाँ पर अगर पुट करें टाइम को वन एक्स क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन एक्स तो आपका फ़िक्स रहता है कि मेन पोजिशन से डिस्टेंस लेना है एक्स आपका यहाँ से होएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब एक सेकेंड के बाद पार्टिकल इस पोजिशन पर आया तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो एक्स हो गया और एक्स की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ए माइनस ए एक सेकेंड के बाद हम डिस्टेंस लिख रहे हैं एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं एक सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया पर हमें जो डिस्टेंस बताना होता है एक्स की वैल्यू वो यहाँ से मेज़र करनी होती है यहाँ से जब मेज़र करोगे तो जो ये पूरा एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल ए ले लिया कैपिटल ए में से स्मॉल ए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स अब जब टाइम टू सेकेंड है तो पार्टिकल यहाँ पर आ गया जब टाइम वन सेकेंड था तो पार्टिकल ने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया था इस बी पॉइंट से अब इन द नेक्स्ट सेकेंड मीन्स एक सेकेंड इसमें और ऐड कर दिया तो मीन्स टू सेकेंड में टू सेकेंड में पार्टिकल ने ट्रैवल किया दिस ए प्लस बी क्योंकि पहले सेकेंड में पार्टिकल ने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें गिवन है नेक्स्ट सेकेंड में हमें गिवन है पार्टिकल ने बी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो दो सेकंड में पार्टिकल ने ए प्लस बी डिटेंस ट्रैवल किया तो ये जो हमारी लेंथ हो दो सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया और ये डिस्टेंस हमारा है ए प्लस बी दिस इज़ ए प्लस बी हमें चाहिए अब पार्टिकल यहाँ पर है दो सेकेंड के बाद तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स मी अगर एक्स हमारा क्या होता है मेन पॉइंट से जहाँ पार्टिकल की पोजीशन है पार्टिकल हमारा यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल ए माइनस ए प्लस बी मीन्स दो सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर है एट ए डिस्टेंस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी और एक सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए माइनस ए नाव अब एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वन टी इज़ वन एक्स इज दिस टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस ए ए कोस रूट म्यू वन टाइम इज वन अब टी को टू पुट कर देंगे एक्स की जगह ए माइनस ए प्लस बी पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू ए कोस रूट म्यू टू सो एक ही क्वेश्चन हमारी ये आ गई एक ही क्वेश्चन हमारी ये आ गई ये इसी को ही सिंप्लीफाई करके लिखा है नाउ अब हमें यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कोस टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू कोसक्ल थीटा माइनस वन दिस इज टू कोसक्वेल थीटा माइनस वन दिस इज ए माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू ए अब को स्क्वायर म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लें को स्क्वायर म्यू क्या हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर ओवर कैपिटल ए स्क्वायर यहाँ से वैल्यू पुट कर दी फोर्स का यूज कर लिया यहाँ पर नाउ हो ओपन कर लिया होल स्क्वायर तो दिस इज टू ए स्क्वायर प्लस टू स्मॉल ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस यहाँ से LCM ले लिया तो ये हमारा हो गया माइनस ए स्क्वायर इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है आप सिंप्लीफाई कर लोगे सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमारा आ गया एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी है इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो दिस इज ए के कॉफिशेंट हमने कंबाइन कर लिया माइनस ए माइनस बी और यहाँ से ए काफिशियंट आएगा प्लस फोर है यहाँ पर square, so आ गया टू ए स्क्वायर सो ए की वैल्यू आ गई टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर ओवर थ्री ए माइनस बी हमने प्रूव करना था नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे ए पॉइंट मूव्स इन अ सिंपल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ सिंपल हारमोनिक मोशन हैज़ विलॉसटीज वी वन एंड वी टू वेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर एक्स वन एंड एक्स टू शो दैट पीरियड ऑफ मोशन इज दिस हमें टाइम पीरियड निकालना है हमें ये गिवन है पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और पार्टिकल की विलॉसिटीज़ गिवन है वी वन वी टू जब पार्टिकल का डिस्टेंस हमें सेंटर से गिवन है एक्स वन एंड एक्स टू कुछ इस तरह का होगा ये ये हमारा सेंटर है ये हमारी पोजीशन ऑफ रेस्ट है जब पार्टिकल यहाँ पर है एक्स वन है ये डिस्टेंस एक्स वन है तो विलॉसटी वी वन की है जब ये डिस्टेंस एक्स टू की है तो विलोसटी वी टू की है और सेंटर से ही गिवन है ये डिस्टेंस आपका सेंटर से ही गिवन है हमें टाइम पीरियड निकालना है हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई बाय रूट म्यू दिस इज़ टू पाई बाय रूट म्यू की वैल्यू दिखानी है हमें ये वन बाय रूट म्यू इज़ दिस प्रूफ करेंगे अब हमें पता है अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेयर अब यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू एक्स वन है तो वी की वैल्यू है वी वन गिवन है सो वी वन स्क्वायर इज म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू एक्स टू है तो वी लॉस्टी गिवन है वी टू तो यहाँ पुट कर दी वी टू स्क्वायर इज म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेंगे जस्ट हमें इस तरह का दिखाना है एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर ओवर वी टू माइनस वी वन स्क्वायर तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन टू को थ्री से तो ये हो जाएगा वी टू स्क्वायेयर माइनस वी वन स्क्वायर ये आपको आइडिया यहाँ से हुआ क्योंकि आपको इस तरह का प्रूफ करना है वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ से आपने म्यू की वैल्यू निकाल ली and we know time period is given by 2 pi by root mu root mu ki value put kaldi so this is the periodic time next example example 6 at the end of three successive seconds the distance of a particle moving with simple harmonic motion from the mean position are x1 x2 x3 show that periodic time is 2 pi by theta where cos theta is एक्स वन प्लस एक्स थ्री ओवर टू एक्स टू यहाँ पर हमें ये गिवन है तीन सक्सेसिव सेकेंड्स पे के एंड पे जो डिस्टेंस है पार्टिकल के वो पोजीशन पोजिशन से वो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इट मीन्स अगर हम सपोज करें किसी टाइम टी पर जो पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजिशन ये हमारी मीन पोजिशन है वो ये हमारी रेस्ट की पोजिशन है से ए हमें ये गिवन है अगर हम पार्टिकल का डिस्टेंस की बात करें किसी टाइम टी पर हमने सपोज कर लिया डिस्टेंस एक्स वन है ये टाइम टी है टी पे हमने सपोज कर लिया डिस्टेंस एक्स वन है फिर क्या कह रहा है थ्री सक्सेसिव सेकंड्स सक्सेसिव सेकंड मीन्स अगर टाइम टी पर डिस्टेंस ये एक्स वन है तो टाइम टी प्लस वन होगा तो डिस्टेंस क्या होगा एक्स टू और टाइम अगर टी प्लस टू होगा तो डिस्टेंस कितना होगा एक्स थ्री ये तीन डिस्टेंस हमें गिवन है सक्सेसिव सेकेंड्स पर तो एक टाइम हमने टी मान लिया हमने सपोज कर लिया टाइम टी पर डिस्टेंस एक्स है टाइम टी प्लस वन पर डिस्टेंस एक्स है टाइम टी प्लस टू पर डिस्टेंस एक्स है तीन, तीन सक्सेसिव टाइम्स ले लिया हमने अब यहाँ पर ये कहाँ से गिवन है हमें मीन पोजीशन से गिवन है जब भी मीन पोजीशन से टाइम आप मेज़र कर रहे हो ये डिस्टेंस एक्स है जब टाइम टी है जब टाइम टी प्लस वन है तो डिस्टेंस एक्स है अब टाइम आप कहाँ से मेजर कर रहे हो मीन पोजीशन से जब भी आप मीन पोजीशन से मेज़र करते हो तो एक्स की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं ए साइन रूट म्यू टी केस एस वन से नाउ व्हेन टी टाइम इज़ टी डिस्टेंस इज़ एक्स वन तो आपने पुट कर दिया जब टाइम टी प्लस वन है तो डिस्टेंस आपका एक्स टू है जब टाइम टी प्लस टू है यहाँ टी प्लस टू होगा तो डिस्टेंस आपका एक्स थ्री है यह आपने पुट कर दिया अब हमें जो दिखाना है हमें ये शो करना है पीरियोडिक टाइम इज़ टू पाई बाय थीटा और को थीटा गिवन है एक्स वन प्लस एक्स थ्री ओवर टू एक्स टू मीन्स हम आ, अगर इसको ऐड करें एक्स वन और एक्स थ्री को देन एक्स टू से डिवाइड करें तो हमें कुछ कोस थीटा टाइप मिल जाएगा तो हमने एक्स वन और एक्स थ्री को ऐड कर दिया तो ये हो गया ए साइन रूट म्यू टी प्लस ए साइन रूट म्यू टी प्लस टू जो हमें गिवन था उससे तो हमने ये निकाल लिया अब हमें जो प्रूव करना है टाइम पीरियड निकालना है टाइम पीरियड के लिए हमें टू पाई बाय रूट म्यू म्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पर हमने रिजल्ट लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस साइन सी माइनस को सी माइनस डी बाई टू आप सिम्प्लीफाई कर लोगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारा आ गया टू ए साइन रूट म्यू टी प्लस वन कोस रूट म्यू अब इसको हम एक्स टू से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये कोस के इक्वल बन जाएगा दिस इज एक्स वन प्लस एक्स थ्री इज दिस और नीचे हमने एक्स टू जो था उससे डिवाइड कर दिया एक्स टू ए रूट ए साइन रूट म्यू टी प्लस वन ए साइन रूट म्यू टी प्लस वन यहाँ से ए से a कैंसिल हो गया साइन रूट म्यू टी प्लस वन से साइन रूट म्यू टी प्लस वन ये हमारा आ गया टू कोस रूट म्यू सो एक्स वन प्लस एक्स थ्री ओवर टू एक्स टू को हम कोस रूट म्यू लिख सकते हैं और ये हमारा किसके इक्वल है कोस थीटा के कोस थीटा तो आ गया कोस रूट म्यू के इक्वल जब आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू आ गई रूट म्यू एंड वी नो टाइम पीरियड इज गिवन बाय टू पाई वाई रूट में एंड रूट म्यू इज थीटा तो टाइम पीरियड आ गया टू पाई बाई थीटा और जहाँ पर कोस थीटा है हमारा एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू एक्स टू हमें यही शो करना था टाइम पीरियड हमारा होगा टू पाई बाई थीटा वेयर थीटा इज गिवन बाय दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हारमोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अबाउट ए सेंटर ओ एंड इट पासिस थ्रू द पोजिशन पी विद वि वी इन द डायरेक्शन ऑफ पी प्रूव दैट टाइम दैट इलेप्सिस बिफोर इट रिटर्न टू पी इज दिस हमें ये गिवन है यहाँ पर पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है टाइम पीरियड गिवन है टी ये हमारे को दे रखा है मेन पॉइंट सिंपल हारमोनिक मोशन तो एग्जीक्यूट कर रहा है हमें ये गिवन है कि जो हमारा पार्टिकल है वो किसी पॉइंट पी से पास कर रहा है ये हमने सपोज ये पॉइंट ले लिया पी दिस इज पी पार्टिकल मीन पोजिशन के अबाउट सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है हमें ये गिवन है पार्टिकल पी पोजिशन से पास कर रहा है और ओ पी कितना है बी ये हमने ओ पी ले लिया बी विस्टी गिवन है वी इन द डायरेक्शन इस इसी से पार्टिकल मूव कर रहा है हमें बताना है टाइम दैट इलेप्सिस बिफोर इट रिटर्न्स टू पी अब पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है पार्टिकल यहाँ मोशन हमारा इस तरह का है पार्टिकल यहाँ से राइट में जाएगा पोजिशन ऑफ रेस्ट पर आएगा देन अगेन बैक आएगा इस तरह से मोशन हमारा रहेगा हमें ये गिवन है पार्टिकल ओके अबाउट सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है किसी पॉइंट पी से पास हो रहा है और ओ पी बी गिवन है हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद हमें ये फ़ाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद वो वापस पी पर आएगा पार्टिकल इधर जाएगा कब तक जाएगा जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए जब यहाँ से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया कि एक पॉइंट पी आया जा, जहाँ जहाँ का डिस्टेंस हमें गिवन है पार्टिकल तब तक चलेगा जब तक वो रेस्ट पर नहीं आ जाता ए हमने ले लिया पॉइंट ऑफ रेस्ट यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया देन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ जाने में और वापिस आने में पी तक कितना टाइम लगा प्रूव दैट दट टाइम दैट इलेपसेज बिफ़ोर इट रिटर्न्स टू पी यहाँ से यहाँ गया और पी तक वापिस आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा वापिस तो तभी आएगा जब आगे जाएगा और आगे कहाँ तक जाएगा जहाँ वो जहाँ तक रेस्ट की पोजिशन नहीं आ जाती तो हमें यहाँ से यहाँ जाने और वापिस आने का टाइम फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड हमें टी गिवन है टाइम पीरियड इज़ टी एंड वी नो टाइम पीरियड इज़ गिवन बाई टू पाई बाई रूट म्यू तो रूट म्यू की वैल्यू निकाल ली टू पाई टाइम पीरियड गिवन है तो रूट में हमारा फाइंड आउट हो गया गिवन की टर्म्स में आ गया अब पार्टिकल ए पोजिशन पर रेस्ट पर आया अब पार्टिकल का हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में वो यहाँ से आ गया और यहाँ से आया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टू इंटू टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू पी जितना टाइम उसको ए से पी आने में लगा उतना ही टाइम उसको पी से ए जाने में लगा होगा सो so, हम ए से पी के आने का टाइम पहले निकाल ले कि पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट करके पी तक जाता है तो हम वो निकालेंगे कितना टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास रिज़ल्ट है कि या तो पार्टिकल यहाँ से आए हम तब टाइम मेज़र कर सकते हैं दो रिज़ल्ट थे हम हमारे पास दो केसेस हमने पढ़े थे अब एक बार तो हम टाइम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं जब पार्टिकल ने रेस्ट की पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आया हम वो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया उसके लिए हम डिस्टेंस लिख सकते हैं एक्सिस ए एक कॉस रूट म्यूटी सेकेंड केस होगा ये क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम देख रहे हैं ए से पी तक का एक्स की वैल्यू है ए कॉस रूट म्यूटी एक्स होता है डिस्टेंस जब पार्टिकल यहाँ आया तो उसका डिस्टेंस बताना है मीन पोजिशन से ये डिस्टेंस तो बी ही है पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया हम वो टाइम निकालना चाह रहे हैं हम इसका रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिज़ल्ट तभी वैलिड होता है जब टाइम आप यहाँ से रेस्ट पोजीशन से मेज़र करना स्टार्ट करो अब यहाँ पर जब पार्टिकल पी पॉइंट पर आ गया तो हमें एक्स बताना है एक्स क्या होता है चाहे आप कहीं से भी मेज़र करो एक्स हमेशा आपका डिस्टेंस रहता है ओ पॉइंट से ओ पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है बी तो x की वैल्यू b आ जाएगी b इक्वल्स टू ए कोस रूट म्यू टाइम हमने t1 ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज टाइम t1 लग रहा है नाउ वी ऑल्सो नो वी स्क्वायर इज गिवन बाय म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू हमारी b है x इज b x आपका ये डिस्टेंस है ये b है सो so यहाँ पर भी आपने b पुट कर दिया वी स्क्वायर इज हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया इस फॉर्मूले से और यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे बी की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली बी इज ए कोस रूट म्यू टी वन यहाँ पुट कर दी ए कोस रूट म्यू टी वन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया दिस इज वन माइनस को स्क्वायर रूट म्यू टी वन म्यू ए स्क्वायर वन माइनस को थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा तो वी की वैल्यू आ गई रूट म्यू ए साइन रूट म्यू टी वन अब हमने दिखाना है टाइम हमें दिखाना है टाइम इतना होगा किस तरह का आ रहा है वी टी बाय टू पाई बी इस तरह का है टेन इनवर्स वी टी बाय टू पाई बी तो यहाँ से हमने वी हमारे पास यहाँ से आ गया बी हमारे पास इधर से है ये बी है ये वी है तो वी बाय बी फाइंड आउट किया वी बाय बी रूट म्यू बाय ए साइन रूट म्यूट ईवन ओवर ए कोर्स रूट म्यूट ईवन ए से कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया टेन रूट म्यूट ईवन नाउ, इसको लिख सकते हैं रूट म्यू टी वन को लिख सकते हैं ये एंगल है इसको डिवाइड में ले गए दिस इज़ वी बाय बी रूट म्यू और यार टेन इनवर्स किसके इक्वल आ गया इस एंगल के रूट म्यू टी वन इज़ दिस टेन इनवर्स वी बाई बी रूट म्यू यहाँ से टी वन की वैल्यू आपने निकाल ली अगेन रूट म्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो रूट म्यू इज़ टू तो पाई बाई टी आप पुट कर दिया दिस इज़ टू पाई बाई टी यहाँ भी बुट कर देंगे दिस इज़ टू पाई बाई टी तो ये आपका आ गया टाइम टी वन टी वन क्या था आपने एज्यूम किया था टाइम फ्रॉम ए टू पी ए टू पी में आने में कितना टाइम लगा हमने वो सपोज़ किया टी वन सो ए से पी आने में टी वन टाइम लगा तो पी से ए जाने में भी इतना टाइम लगा होगा तो हमें वही टाइम फाइंड आउट करना था कि पी से ए जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा वो हो गया टू टी वन एंड टू टी वन इज दिस टू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू कैंसिल हो जाएगा दिस इज़ टी बाई पाई टेन इन वर्स वी टी बाई टू पाई बी देखो यहाँ पर आपने ये फाइंड आउट करना था आप, आपको ये गिवन था ओ पॉइंट के अबाउट पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एक्जीक्यूट कर रहा है जब सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है जब पार्टिकल इधर मूव करता है तो एक पॉइंट बी पी आता है ये आपको गीवन है और पी पॉइंट ओ से बी डिस्टेंस पर है देन आपने बताना है पार्टिकल पी से कहाँ तक जाएगा जहाँ तक रेस्ट पे नहीं आ जाता ए पे रेस्ट पे आ गया और वापस भी फिर क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वापस भी आएगा आपने ये टाइम निकालना है कितने टाइम में वो यहाँ आ गया और कितने टाइम में वापिस पहुंच हमने ए से पी का टाइम निकाल लिया जब ये टाइम निकालना है ये तो डबल ही हो जाएगा ए से पी का टाइम हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है जब टाइम आप यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करते हो तो एक्स की वैल्यू है आपके पास ए कोर्स रूट में रूटी और एक्स की वैल्यू कितनी है बी एक्स आप मेजर कहाँ से करते हो ओ से ही मेजर करते हो ओ से लेकर वहाँ तक जाते हो जहाँ पार्टिकल है पार्टिकल की पोजीशन तक का डिस्टेंस ये बी के इक्वल है एक रिजल्ट आपने ये यूज़ कर दिया एक रिज़ल्ट आपके पास ये भी है वी स्क्वायर इज दिस एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आपने बी पुट कर दी इसको सॉल्व कर दिया फर्दर ये वी बाई बी आपने ये आइडिया लगाया क्वेश्चन से जिस तरह की स्टेटमेंट गिवन थी वहाँ से आपने इसको सोल्व uh, किया दैन टी वन निकाल लिया हमें टू टी वन चाहिए था इसका ट्वाइस कर दिया दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम नेक्स्ट एग्जाम्पल शो दैट इफ द डिसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी देन इट डिस्क्राइब्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्र एंड पीरियड इज टू पाई ओवर एन हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है पार्टिकल की पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है एक्स गिवन है डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें आ, आ, हमें यहाँ पर सॉरी डिस्प्लेसमेंट गिवन है दिस एक्स इज ए कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी डिससमेंट गिवन है हमें बताना हमें शो करना है कि पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है और अगर सिंपल हारमोनिक मोशन है तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना है हमें अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू है हमारे पास डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो ये हो गया माइनस ए एन साइन एन टी प्लस बी एन कोस एन टी एक्सलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज़ विसिटी दिस इज एक्सेलरेशन ये हमारा आ गया माइनस ए एन स्क्वेर कोस एन टी माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी एन माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी ये वापस एक्स के ही इक्वल आ गया सो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस एन स्क्वायर एक्स के हमें यहाँ एक्स गीवन था हमें बताना है पहले तो मोशन आपका सिंपल हारमोनिक मोशन है सिंपल हारमोनिक मोशन में कंडीशन रहती है कि एक्सेलेशन आपकी किस तरह की होती है माइनस म्यू एक्स के डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर किस टाइप का होता है माइनस म्यू एक्स के फर्स्ट आर्टिकल में आपको ध्यान होगा हमने इस तरह से लिखा था अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो जो आपकी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की अब ये इसी फॉर्म की बन गई इक्वेशन इट मीन्स जो आपका मोशन है वो एस एच एम है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशन रहती है जो एक्सेलरेशन है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है एक्स के मींस एक्सेलरेशन माइनस म्यू एक्स के इक्वल होती है ये उसी फॉर्म की बन गई सो वी कैन से मोशन इज सिंपल हार्मोनिक अब कंपेयर करोगे कंपेयर करोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई एन स्क्वायर तो म्यू निकल गया आपका अब टाइम पीरियड निकालना है टाइम पीरियड पीरियड इज गिवन बाय टू पाई बाय रूट म्यू एंड रूट म्यू इज़ एन टाइम पीरियड आपने निकाल लिया उसके बाद आपने निकालना है एम्पलीट्यूड देखो आपका अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ दिस इज मीन पोजिशन पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पे आया तो ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और जहाँ एम्प्लीट्यूड होता है यहाँ पर ए आपका अगर ये लेंथ आपकी एम्पलीट्यूड है यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे आया यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे आया तो इट मीनस इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई ज़ीरो एम्प्लीट्यूड क्या होती है ये वैल्यू होती है एम्प्लीट्यूड आपका ये डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस पर आपकी मींस एक्स की ये वैल्यू होती है एक्स की वो वैल्यू होती है जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है हम इस तरह से कह सकते हैं हमें एम्पलीट्यूड निकालना है एम्पलीट्यूड मींस हमें ये डिस्टेंस निकालना है ओ से ये तक ये डिस्टेंस कितना है हमें पता है यहाँ पर जब पार्टिकल आता है तो उसकी विलोसिटी जीरो होती है तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड एक्स की वो वैल्यू है जहाँ पर डी एक्स बाई डी टी ज़ीरो होता है एक्स की वो वैल्यू आती है जहाँ पर डी एक्स बाई डी टी जीरो हो तो वो एम्पलीट्यूड दे देते हैं डी एक्स बाई डी टी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं दिस इज डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी को जीरो से इक्वेट कर दिया तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया ये आ गया हमारा टेंजेंट एन टी इक्वल्स टू बी बाई ए टेंजेंट एन आ गया तो आप साइन एंटी लिख सकते हो दिस इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस साइन एंटी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाई बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी तरह से कोस एंटी आपने लिख दिया हमें निकालना है एम्पलीट्यूड एम्प्लीट्यूड हमें पता है होती एक्स की ही वैल्यू है एम्पलीट्यूड आपकी एक्स की ही वैल्यू होती है पर एक्स की वो वैल्यू होती है जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो करके आपने साइन एंटी और कोस एंटी निकाल लिया इसको आप पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स में क्योंकि एम्प्लीट्यूड है तो एक्स की ही वैल्यू अब आपके पास कोस एंटी भी है साइन एंटी भी है यहाँ पुट कर दिया आपने ए इंटू कोस एन प्लस बी इंटू साइन कर लिया इसको ये आपका एम्प्लीटूड आ गया थैंक यू